हमारे जीवन में दो चीज होनी चाहिए हो, तो श्रवण और मनन का परिणाम तो है प्रकाश, प्रकाश के आवरण का भंग। ऐसे वेदांत की भाषा में ऐसे बोला जाएगा, श्रवण मनन का परिणाम है प्रकाश के आवरण का भंग, अज्ञान और संशय को मिटाना, और निधिध्यासन का परिणाम है स्थिरता, निष्ठा, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। जो जीवन में जो शिष्य के प्रारंभिक जीवन में श्रद्धा होती है वो निष्ठाकार परिणाम को प्राप्त होती है, और जो उसका विचार है वो प्रकाश के आवरण के भंग में काम देता है, और दोनों मिलकर पूर्णता आती है। मनुष्य का जीवन श्रद्धा और विवेक दोनों की संतान है। वैवस्वत, वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम क्या था? श्रद्धा की शत्रुका, स्वयंभुव की पत्नी का नाम शत्रुका था, और ये वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था। तो प्रकाश का देवता है सूर्य, सूर्य का नाम है वैवस्वत, और उसके पुत्र का नाम है वैवस्वत मनु, माने प्रकाशक मनन। प्रकाशक मनन का नाम है मनु, और श्रद्धा है विचार में निष्ठा। तो श्रद्धा का परिपाक है निष्ठा, और वैवस्वत मनु का परिपाक है प्रकाश के आवरण का बंध। श्रद्धा और मनु इन दोनों की संतान है मानव। मनुष्य को किसी भी प्रकार की पूर्णता प्राप्त होगी तो वो श्रद्धा और विचार दोनों से प्राप्त होगी। विचारहीन श्रद्धा अंधी होगी, और श्रद्धाहीन विचार अस्थिर होगा। यदि किसी के अनुभव की उस पर छाप नहीं लगती जाती है, कल शायद किसी ने हमसे कहा था अगर, तो वो हमने याद कर लिया। इनमें परस्पर विरोध नहीं है, जैसे कोई खंभा गहराई में गाड़ना हो तो खोदा भी जाता है और उसमें फिर मिट्टी और कंकड़ और पत्थर डाल के उसको कूटा भी जाता है। तो खंभे को गाड़ने के लिए जो स्थान का निश्चय है ना, खुदाई है, वो काम विवेक करता है, और उसमें सीमेंट चूना डाल करके उसको बिल्कुल पक्का बना देने का काम श्रद्धा करते हैं। ये बिल्कुल पति पत्नी के समान चलते हैं, जैसे गृहस्थ का जीवन पति पत्नी दोनों के द्वारा चलता है, वैसे श्रद्धा और विवेक दोनों के द्वारा साधक के जीवन की गाड़ी चलती है। अब इसमें मंत्र की भी एक बात कर देते हैं, वो मैंने किसी भी विषय पर हम दूसरे दिन आपको विस्तार से सुना देंगे। मंत्र माने शब्द के द्वारा अपने भाव को परिपुष्ट करने की प्रक्रिया, तो उसमें हाथ जोड़ना भी है, पूजा करना भी है, सकल सूरत सामने रखना भी है, और हर समय तो ये सब नहीं कर सकते ना, तो ये दोहराया हुआ जो शब्द है वो बारंबार अपने अर्थ को हमारी बुद्धि में डालता है। तो स्मृति माने तो याद ही होता है, तो स्मृति मूलक धर्म जो होते हैं वो श्रुति विरुद्ध होने पर अग्राह्य हो जाते हैं। अच्छा, श्रुति वो है जो तत्काल वस्तु का अपरोक्ष कराती है। आप देखो ध्यान, आप सुनो, एक व्यक्ति का यह नाम ज्योतिर्मय है, आप पहचानते तो नहीं है ना, लेकिन हम यदि बता दें आपको तो तत्काल पहचान जाएंगे। तो श्रुति माने ये है कि जो वस्तु अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है, लोक में प्रत्यक्ष है और अंतर में अपरोक्ष है,
उसकी पहचान कराने में जो शब्द तत्काल काम कर देता है उसका नाम श्रुति है, और जो सुनने के बाद बार बार याद करना पड़े, दोहराना पड़े, उसका नाम स्मृति है। तो स्मृति जो है वो ज्ञान में प्रमाण नहीं मान जाती। यदि श्रुति के अनुकूल है तब तो प्रमाण है, और विरुद्ध है तो प्रमाण नहीं है। तो प्रमाणता तो श्रुति में ही रही, स्मृति में कहां से आई? जब श्रुति के विरुद्ध होने पर स्मृति प्रमाण ही नहीं है, तो स्मृति जो है वो गृहीत ग्राहक होती है। पहले से जाने हुए को याद कराना, और श्रुति जो है वो अज्ञात ज्ञापक होती है। जिसको हम नहीं जानते हैं उसको मालूम करा देना, अज्ञात ज्ञापक, अविद्या निवृत्ति, ये श्रुति का काम है। और प्रमाणांतर से ज्ञात को याद करा देना, ये स्मृति का काम होता है। इसी से इतिहास जो है वो स्मृति की कक्षा में ही जाता है। जैसे समझो 5 बरस पहले कोई नियम बनाया गया, अब वो आज स्मृति के रूप में है, उसकी हम याद करते हैं। यदि तत्काल अपरोक्ष वस्तु के वो विरुद्ध पड़ता है तो वो स्मृति प्रमाण नहीं होगी। तत्काल अपरोक्ष दर्शन में आई हुई जो वस्तु है वही प्रमाण होगी। अच्छा, तो मंत्र क्या है? मंत्र है जो हम चाहते हैं उसको बार 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 स्फुरित करने वाला शब्द के द्वारा। शब्द है वो शब्द। तो जैसे वस्तु स्मारक होती है, जैसे क्रिया स्मारक होती है, वैसे शब्द भी स्मारक होता है। और ईश्वर की कृपा से शब्द द्रव्य की अपेक्षा और क्रिया की अपेक्षा भी शब्द सुगम है और अधिक से अधिक अपने साथ रह सकता है। किसी वस्तु को आप धो के नहीं ले चल सकते, कोई काम बराबर नहीं कर सकते, लेकिन जो शब्द है वो तो बिल्कुल स्वतंत्र जीव के अंदर होता है। बल्कि शब्दोच्चारण चेष्टा में अंतर्भूत हो जाता है। वस्तु और पूजा, वस्तु और क्रिया चेष्टा में अंतर्भूत नहीं होते, लेकिन शब्द मध्यमा में जाकर केवल चेष्टा का रूप ग्रहण कर लेता है, और पश्यंती में जाकर दृष्टि का रूप ग्रहण कर लेता है, और परा में जाकर तत्व का रूप हो जाता है। इसलिए मंत्र जो है वो हमारे अंतःकरण के निर्माण में साक्षात उपयोगी है। तो गुरु, शिष्य और मंत्र, और जो अनुशासन मानने को तैयार नहीं हो वो तो शिष्य ही नहीं होगा। अच्छा, एक और प्रयत्न करते हैं कि हमारा मन निराकार निर्विकार हो जाए, और एक और कोई मूर्ति अपने चित्त में बैठाने लगते हैं, तो करते क्या है ये पट्टे कि एक से तो समाधि लगाने की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, एक गुरु हो गया कि हम अपने असंग सच्चिदानंद घन रूप में बैठते हैं, और एक से जाके आकार बनाने वाली विद्या प्राप्त करके ले, तो थोड़ी देर आकार मिटावेंगे और थोड़ी देर गढ़ेंगे, है ना। मूर्ति बन खेत जोता, बोया, स्वामी सुखदेवानंद जी कहते थे ना कि खेत में कोई अनाज बोया और वो जब तक पैदा ही नहीं हुआ फिर उसको उलट दिया, देखा खोज के आकार बनाया और निराकार से उसको खोद दिया, और निराकार किया और उसमें फिर शकल बना दी, घड़ा तोड़ा घड़ा बनाया, घड़ा तोड़ा घड़ा बनाया, बनेगा क्या? तो ये जो लोग निराकार को साकार, साकार को निराकार करते रहते हैं, और ये कहते हैं एक गुरु से काम नहीं चलेगा, साकार का गुरु दूसरा होगा, निराकार का गुरु दूसरा होगा। अरे वैराग्य हो तो निराकार को प्राप्त करो, राग हो तो साकार को प्राप्त करो, एक का मंत्र जपो,
एक को पक्का बना लो मंत्र शब्द का ये करते हुए अपने मन से जो रक्षा करें। मन और त्रा है ना, त्रा माने त्राण, प्राण कल्याण, अपने मन के उधेड़ गुण से बचाव और मनन से त्राण करे, जिसके मनन से मनुष्य का रक्षण हो। मनना त्रायते इति ही मंत्र, एक विपत्ति तो उसकी त्रायते होता है और एक मनसा त्रायते, मन से रक्षा करते। जो हमको पसंद आया उस मंत्र का हमने जप शुरू, तो इसमें मन की वासना पूर्ण हुई, माने ये क्रिया मन की वासना के अनुसार हुई, इसलिए न ये वासना को मिटावेगी न मन का मिटेगा। जैसे हमको कोई रोग है और हमने सुन रखा है कि ये सब पेड़ पौधे जितने हैं सब दवा होता है और इनमें से किसी को छांक के उसकी पत्ती या जड़ खा ली, बोले इससे हमारा रोग दूर हो जाए, तो उससे रोग दूर। जिस मन की उथल पुथल को रोकने के लिए मंत्र की आवश्यकता है, उसी मन के द्वारा यदि मंत्र छांटा जाएगा तो वो तो मन का गुलाम रहेगा, मन का निरोध करने में समर्थ नहीं। तो हम अपने मन से बहुत बढ़िया मंत्र का जप करते हैं, अरे आज उसकी तारीफ सुनी है तो बढ़िया लगता है, 6 महीने बाद कहीं दूसरा मिल गया तारीफ करने वाला, ये तो दलालों की बात हो गई ना, वहां उसकी तारीफ सुनी, वहां उसकी तारीफ सुनी, वहां उसकी तारीफ सुनी। तो किसी किसी की नीति ऐसी होती है, जिसे हमने देखा है कि 5-7 मंत्र लिख के दे देते हैं, ये पंचाक्षर शिव मंत्र है, ये अष्टाक्षर नारायण मंत्र है, ये द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र है, इनमें से जो तुमको अच्छा लगता हो उसका जप करो। भेजते तो महात्मा ही लोग हैं, लेकिन उनको उसमें भी जब छटाई अपनी ओर से होगी तो वो भी मन के निरोध का काम नहीं करेगा। इतना विश्वास करो कि मंत्र उत्तम है और एक महात्मा ने 5-7 लिखा था, उसने से मैंने छाटा है, इससे हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। विश्वास करना तो अच्छा ही है। कुछ पंचायती मंत्र होते हैं, जैसे हरे राम है, राम राम है, राम राम, हरे राम हरे राम। तो जो लोग किसी एक महात्मा पर या एक ईश्वर पर श्रद्धा करने में असमर्थ हैं, वो इस ढंग से चुनाव कर लेते हैं, हमको हरे राम का जप करेंगे, राम राम का जप करेंगे। वो भी मन की पसंदगी ही चाहते हैं, वो भी संसारी नहीं है, उनको ईश्वर नहीं चाहिए, अपने मन की ही पसंद चाहिए। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ, परंतु उसमें बड़े बूढ़े का हाथ भी होना चाहिए, केवल मन की विपरीतता ही नहीं चाहिए, उसमें अनुभवी पुरुष का हाथ भी होना चाहिए। अनुभवी पुरुष का हाथ ही मुख्य है, वो यदि तुम्हारी पसंद को पसंद करता है तो पसंद भी ठीक है, और तुम्हारी पसंद को नापसंद करता है तो अपनी पसंद नहीं चलेगी, महात्मा की नापसंद चलेगी।
क्योंकि विधि की अपेक्षा निषेध प्रबल होता है। अच्छा, कोई झूठ मूठ भी रोक दे महात्मा कि इस मंत्र में ये दोष है, दोष समझी जाए, या तो जिज्ञासु साधक उच्च कोटि का हो, या तो मंत्र इतना प्रबल हो अपनी शक्ति का स्वयं प्रकाश कर दे। मंत्र में भी महात्मा के संकल्प की ही शक्ति आती है, और या तो इष्ट पर इतना दृढ़ विश्वास हो गए कि उस मंत्र में इष्ट का आगमन हो जाए, आविर्भाव हो जाए। बिल्कुल, यदि वहीं से चालू हो जाए तो वो जितनी जल्दी सफल होती है उतनी जल्दी अपने मन से पूरी भी सफल नहीं होती। तो यदि कोई ऐसा सिद्ध पुरुष हो जो ये देख सके कि पूर्व जन्म में इसने कहां से कहां तक साधना की थी और वो कहां छूट गई थी मरने से पहले, और उसको जानकर यदि वहीं से प्रारंभ करावेगा तो उसमें सफलता बहुत जल्दी मिलती जाएगी। इसलिए इसमें सिद्धों की परंपरा में यही रीति है कि उसके पूर्व जन्म के अपराध को देखकर उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये जिनको चीला बढ़ाने बढ़ाने की भूल है तो वो विश्वासी है, इसमें तो कोई शंका नहीं। अयोध्या में जो जाए सो राम का ही भजन करे, और वृंदावन में जो जाए सो कृष्ण का ही भजन करे, काशी में जो जाए तो शिव का ही भजन करे, तो इसमें साधक के अंतःकरण की योग्यता का विचार नहीं है। वो तो उन धामों की और रूपों की महिमा जिन लोगों के मन में जैसी बैठी हुई है वो दूसरों के मन में डाल देते हैं। वो अपनी प्रसन्नता को दूसरे के द्वारा आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए सबके लिए एक नाम, सबके लिए एक मंत्र, सबके लिए एक उपासना। अब एक आदमी दास्य भाव से भजन करता है, वो पहुंच गया सखी भाव वालों ने उन्हें, और उन्होंने कहा कि अरे दास भाव तो बहुत छोटा है, दास तो दूर दूर रहता है और पत्नी तो छाती पर चढ़ी रहती है, या प्रेयसी भाव में तो बड़ा गाढ़ा प्रेम होता है, तो दास भाव तो छुड़ा देगा लेकिन प्रेयसी भाव दास के मन में कहां से आवेगा, विचलित हो जाएगा। इसलिए अपनी निष्ठा में जो दृढ़ता है वो प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे भी मंत्र होते हैं जो घंटों में गर्मा गर्म कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल खोल जाएगा था। साधारण व्यक्ति और स्वस्थ नहीं कर, ये आश्चर्य की बात नहीं है या कल्पना नहीं है, देखी हुई बात है कि वो घंटे आठ घंटे से ज्यादा ये सबसे बढ़िया ये है कि ईश्वर तो सब जगह है, इसलिए जो बात बताई गई है क्योंकि अपने मन को रोकना है, निरुद्ध करना, निष्ठा तो कभी होगी ना जब मन इधर न जाए उधर न जाए उधर न जाए, तो मन में स्थिरता तो तभी आएगी। तो यदि वो बदलता ही रहेगा अपने मंत्र को, इष्ट को, गुरु को, तो उसके मन में तो कोई निष्ठा नहीं आएगी।
इसलिए जहां तक हो सके उपासना की शैली में कभी थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वो तो हो सकता है, परंतु गुरु इष्ट और मंत्र इन तीनों में परिवर्तन भक्तों के लिए कम से कम उपासकों के लिए नहीं है, वेदांतियों के लिए तो थोड़ी गुंजाइश है, क्योंकि निष्ठा आत्मा और ब्रह्म की एकता के अनुभव में है और बाकी किसी चीज में नहीं। तो इसलिए उपासना में तो एक ही बार गुरु इष्ट और मंत्र का निश्चय हो गया और फिर जिंदगी भर उसको करते जाओ, लेकिन यदि कुछ भीतर उरेद रहा हो, जिज्ञासा उदय हो रही हो, तो हम ये समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे, तब तो वो ज्यादा सत्पुरुष का संचार है और उसकी भी संहिता होती है, ये नहीं गुरुओं की भी संहिता होती है। वो संहिता क्या है, चाहे गुरु कोई भी मंत्र बताता हो, कोई देवता बताता हो, पर देखना ये पड़ता है कि वेद की जो संहिता है, हमारा संविधान वेद है और वो शाश्वत है, तो यदि उसके विरुद्ध सत्संग कहीं ले जाता है, तो मंत्र कहीं उसके विरुद्ध ले जाता है, तो वो गलत हो जाता है। अब मंत्रों की बात और सुना, मंत्र स्वामी जागृत हो सकता है? हाँ जी, हमने तो बिच्छू का मंत्र जगाया था, सांप का मंत्र जगाया था, ये जो चमक पड़ जाती है शरीर में, इसको ठीक करने का मंत्र जगाया था। तो बचपन में हमारे गांव के जो छोटी किस्म के लोग गांव के आसपास होते हैं, जैसे आदिवासी होते हैं, कोल भिल्ल होते हैं, वैसे हमारे गांव के पास बिंद हैं, भर हैं, मुसहर हैं, उनके यहाँ तो बड़े अद्भुत मंत्र चलते हैं, वो दिवाली के दिन या ग्रहण में जगाए जाते हैं। तो मैंने जगा के देखा था, वो चलते हैं, काम करते हैं, देखते हैं, काम करते हैं। उस समय मेरा बड़ा विश्वास था, विश्वास थोड़ी क्रिया होती है, थोड़ा विश्वास होता है, विश्वास टूट जाने के बाद तो फिर क्रिया काम नहीं देती, ये उनकी विशेषता है। ये रामचरित मानस में है, नाम प्रभाव जान हर गिर जाए, साबर मंत्र जाल जिन से अनमिल आकर अर्थ नहीं जाते, अक्षर तो अनमिले हैं और उनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है और उनका जप भी करना नहीं पड़ता, प्रगट प्रभाव महेश कृपा, ये शंकर जी की कृपा, दुहाई नैना जोगिनी की, दुहाई गौरा पार्वती महादेव की, ऐसे बोलते हैं, दुहाई नौना चमाइन की, दुहाई नैना जोगिनी की, दुहाई नौना चमाइन की, दुहाई गौरा सलोनी शंकर महादेव की, ये कोई सिद्ध हो गई है, वो आशीर्वाद दे गई है कि हमारा जो नाम लेगा, एक मनसाराम अघोरी हुआ है, मनसाराम, तो उसका नाम दे के कई मंत्र है, उस मंत्र में मनसाराम अघोरी का ही स्मरण है, तो उससे लोगों के दुश्मन बनते हैं, ऐसा विश्वास लोगों में प्रचलित है। हम तो भाई ये सब जानते हैं ना, हमको तो कुछ करने का नहीं है, पर हम अघोरी की बात भी जानते हैं और उनको अपनी अघोर साधना से सिद्धि कैसे मिलती है ये भी जानते हैं, वो तो लोगों को बताने की नहीं है। स्वामी जी मलिन
पर उसमें ऐसी क्या युक्ति है कि मलिन विद्या में भी शुद्धि मिलती है, उसका भी एक विज्ञान है। उसमें जो साहस या हिम्मत का जो काम करना पड़ता है, वो सोई हुई शक्ति को वो धक्का देता है कि वो ऊपर ऊपर चल जाते हैं। और मैं पे पे करने वाले पड़े ही रह जाते हैं, अपनी जगह पर रह जाते। तो ये मंत्र तो अच्छा, वेदांत के भी मंत्र होते हैं, वो वृत्ति को सदाकार करते हैं। वेदांत में अज्ञात का ज्ञापन करने वाला मंत्र होना चाहिए। जो चीज इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से सामने मालूम नहीं पड़ रही है, वो कैसी है उसका ज्ञान कराने वाला मंत्र। ये अहम ब्रह्मास्मि आदि जो मंत्र है, ये जप करने के लिए नहीं है। ये नहीं है कि लेके माला हम ब्रह्मास्मि करें। ये तो अनजान लोग इसको जानते नहीं है। जब करने का मन ये नहीं है वेदांत, ये तो विचार करने का मन है, विचार का आधार है। जिससे आप आशा होता है ना, ऐसे अहम ब्रह्म अस्मि, ये तीन पैराग्राफ है उसके। आशा वो रटने के लिए नहीं है। आ पैराग्राफ का क्या मतलब है और व का क्या है और स का क्या है, जैसे होता है ना, ऐसे ऐसे आ उ मा भी ऐसा है, ओम ओम भी ऐसा। अच्छा, और वेदांत में जैसे ओम का उच्चारण कोई लंबा करे या बड़ा करे, तो उससे होगा क्या कि वृत्ति बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाएगी, लय हो जाएगा, लय कारण अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, आंख बंद हो जाएगी, मन की चंचलता मिट जाएगी। जैसे सुसुप्ति अनजान में सुसुप्ति आती, ऐसी हो जाएगी। तो जिसको संसार से वैराग्य न होता हो, उसको अकेले ओम का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो लय हो जाएगा उसका, वो तो सब टूटेगा। और स्त्रियों के लिए जरा त्याग का जो जीवन है ना, वो स्वाभाविक नहीं है। स्त्री शरीर के अनुरूप नहीं है। अगर कोई ही उसमें विशेष हो गए तो उसके लिए कोई बात नहीं है। गार्गी जी हो, ये स्त्री शरीर में धारण की शक्ति और पोषण की शक्ति है। तो ये वहां यही माँ बना है, धारण और पोषण यही दोनों तो मातृत्व है। ये शरीर स्त्री के शरीर में होता है, पुरुष के शरीर में नहीं होता। तो इसलिए माता कहीं भी जाएगी तो खिलाने वाली वृत्ति उसकी जा नहीं सकती। जैसे परमहंस राम की पत्नी शारदा माता, जो परमहंस जी की कितनी सेवा करती, वो वृत्ति जा ही नहीं सकती। अब उनकी जो शिष्या थी वो हमारे सामने थी, हमने रात रात पर उनको भोजन बनाते देखा है और सवेरे उठ के खिलाते थे, खाते थे। अभी जब उनकी 90-94 बरस की उम्र हो गई थी और आंख से पूरी तरह दिखता नहीं था, मैं उनके पास गया तो हमको बैठा दिया और कड़ाही चढ़ा के बैठ गए और तरह तरह की पकौड़ी बना के उनको खिलाने लग गए, खाने लग गए। माता जो है वो दो काम कर सकती, एक तो पूंजी अगर उसको संभला दिया जाए तो बिल्कुल सुरक्षित रख सकते, ये धारण हुआ। और दूसरे दूसरों को खिलाने का काम अगर उसके जिम्मे किया जाए तो वो खूब खिला सकते हैं। वो माताजी हमारे उड़िया बाबा जी से भी मिली थी रामघाट में,
शारदा माता, वो परमहंस राम कृष्ण की पत्नी नहीं, पत्नी की शिष्या, उनका नाम भी शारदा माता। तो ये ओम की बात कर रहे थे ना, तो जो बिल्कुल लीन करने पर होते हैं वो भाव की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान की लीला का ध्यान छूट जाएगा। ओम करके लीन हो गए तो भगवान की लीला के ध्यान छूट जाएगा। अच्छा, और ज्ञान के भी अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसमें विचार का लय हो जाएगा और वो कर्म संसार का जो भोग है, अच्छा भोग के भी अनुरूप नहीं है, लय कर देता है। तो जो पूर्ण वैराग्यवान होता है, सब कुछ छोड़ करके केवल परमात्मा का अनुभव करना चाहता है, उसके काम में ये आता है। और वैसे तो भीख मांगने के काम में भी गाते हुए डोलो तो भीख मांगने के काम में भी आ सकता है, तो वो बात अलग है। तो अब ये मंत्रों की ऐसी न्यारी न्यारी शक्ति होती है। देखो, ये जब सृष्टि बनती है ना, तो एक ध्वनि करती हुई बनती है। कोई भी क्रिया बिना ध्वनि की नहीं हो सकती। ये उंगली हमारी हिल रही है ना, इसमें आवाज है, इसको हम अपने इन कानों से नहीं पकड़ सकते। जितनी आवाज हम सुन रहे हैं अपने कान से, इससे 2.5 लाख गुना कम हो जाने पर ये आवाज कान से पकड़ में नहीं आती है, पर होती रहती है। अब तो जहां सृष्टि का स्तर बहुत सूक्ष्म है, वहां सृष्टि के स्फुरण में, प्रकाश में ध्वनि जो होती है, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये मंत्र जो है वो किसी किसी स्तर के अनुरूप होते हैं। तो बैखरी वाणी का मंत्र, मध्यमा वाणी का मंत्र, पश्यंती वाणी का मंत्र और परा वाणी का मंत्र, ये भेद हो जाता है। तो ठीक बैखरी वाणी के स्तर के पदार्थ ये जो दिखाई पड़ रहे हैं, और मध्यमा वाणी के स्तर के पदार्थ, और पश्यंती वाणी के स्तर के पदार्थ, और परा वाणी के स्तर के पदार्थ, तो उनमें क्षोभ करके वो जो शक्ति है, वो क्षोभ करके उन्हीं उन्हीं स्तर के पदार्थों को प्रकट करते हैं। तो स्पंद बोलते हैं उसको, ऐसा हिलाती है सृष्टि को कि उसमें से हम जैसा बनाना चाहें वैसा निकल आवे। मध्य प्रदेश की तरफ एक लीड़ा नाम की चीज बनाते हैं भोजन के लिए, तो कड़ाही में गाय के बेसन को भूनते हैं, हाथ से चलाते हैं, वहां की स्त्रियां उसको गीला नहीं होता है, सूखा होता है, हाथ से ऐसे ऐसे चला देते हैं। तो बिना पानी डाले उसकी शक्ल खास खास तरह की शक्ल बन जाती है, और वो देखने में भी अच्छा होता है और खाने में भी अच्छा होता है। तो वो जिस ढंग से हिलाया जाता है ना, अब ये तो कल्पना आप कर ही सकते हैं कि जिस ढंग से हम हाथ उस पर घुमाएंगे वैसी उसकी शक्ल बन जाएगी। तो ये संसार के जो पदार्थ बनते हैं, इसको शब्द हिला हिला के बनाता है। तो मूल में शब्द और पदार्थ एक होते हैं, आगे आने पर ये अलग अलग मालूम पड़ते हैं कि मुंह में शब्द है और आंख में रूप है। तो असल में जीभ और हाथ, ये दोनों वो जो मैटर है ना, मूल में जो मैटर है सूक्ष्म, उसको हिला के ही जीभ बनी है बोलने वाली, आंख बनी है देखने वाली, और हाथ बना है पकड़ने वाला। ये बात तो भागवत में बड़े विस्तार से है, वो 11वें स्कंद के स एष जीवो विवर प्रसूते प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्ट,
मनोमयम सूक्ष्म विकृत रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठा। जैसे आवाज सूक्ष्म से स्थूल होती है वैसे पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल होते हैं और ठीक उसी क्रम से होते हैं जिस क्रम से आवाज सूक्ष्म से स्थूल होती है। देखिए मंत्र का मैं विज्ञान बता रहा हूँ। तो अब मंत्र हमको क्या बनाने के लिए चाहिए, माने हम अपने दिल को अपनी आंख को अपने दिमाग को बनाने के लिए हमको कैसा मंत्र चाहिए। राम का दर्शन करना हो तो कैसा, कृष्ण का दर्शन करना हो तो कैसा, है ना, संपदा को अपनी ओर खींचना हो तो कैसा, है ना, शत्रु को दबाना हो तो कैसा, उसके लिए ये शब्द ही होते हैं जो अंतर में उच्चारण करने पर न केवल व्यष्टि शरीर में बल्कि समष्टि में भी अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्योंकि शब्द केवल एक व्यक्ति के नहीं होते हैं। देखो अमेरिका में शब्द बोला जाता है बिना किसी तार के, हमारा रेडियो यहाँ ग्रहण करता है, हम लंदन का समाचार सुनते हैं, रूस का, चीन का समाचार सुनते हैं, तो क्या तार पर चढ़ के वो शब्द आता है? माने शब्द तो व्यापक हो ही जाता है, हमारे रेडियो में ये शक्ति है कि वो उसको ग्रहण कर सकता है। इसलिए जो शब्द हम कहीं भी बोलते हैं वो सारी सृष्टि पर अपना प्रभाव डालता है। अच्छा, हम किसी दूसरे को गाली देते हैं तो वो उसी को नहीं मिलती है, वो दूसरों को भी मिलती है। माने एक को गाली हम देते हैं तो सबको गाली देते हैं, और न केवल सबको देते हैं बल्कि अपने आप को भी देते हैं, क्योंकि वो अपने कान में भी लौट के आती है। तो इसलिए बोलने के समय ये दी हुई गाली सिर्फ दुश्मन को नहीं लगती है, सारी दुनिया को जाके गुदगुदाती है, छूती है और अपने कान में भी लौट के आती है। तो मंत्र का विज्ञान यही है कि ये यदि किसी को सिद्ध हो तो वो सृष्टि में परिवर्तन कर सकता है, पर वो सिद्धि कितनी है, वो सिद्धि कितनी बड़ी है, इस बात को सब लोग नहीं समझते। अब देखो भाई, वो अपने अनुभव को तो हरिश्चंद्र जी बता सकते हैं, है ना, लेकिन इन्होंने एक दिन कहा कि हमको कोई शक्तिशाली मंत्र चाहिए, तो मैंने इनको बताया, तो मैंने तो बताया था बहुत दिन करने के लिए, पर ये तो एक ही दिन में परेशान हो गए, एक घंटे में परेशान हो गए। घंटे में श्री काप नहीं लगा, ये सहन नहीं होता है। मैंने कहा तुम छोड़ दो, बहुत शरीर की धातु कमजोर है। माने ये न केवल मानसिक शक्ति से इसका संबंध है बल्कि शारीरिक शक्ति से भी इसका संबंध होता है। वो तो उथल पुथल कर रहे हैं, ये जो कुंडलनी का जागरण होता है, और ये जो आंखों में लाली आती है, जो मस्ती छा जाती है, ये सब मंत्र से हो सकता है। हाँ, शब्द में शक्ति है, शब्द में शक्ति तो स्वाभाविक है, उसको बोलने का यंत्र इधर है, सुनने का यंत्र इधर है, शरीर में केवल उच्चारण या श्रवण का यंत्र लगा हुआ है, और जो शब्द की शक्ति है वो तो संपूर्ण सृष्टि में काम करती है। तभी वो राम को भी पकड़ के ले आवेगी, कृष्ण को भी पकड़ के ले आवेगी, सामने लाके खड़ा कर दे। एक मैंने पढ़ा था, पढ़ी हुई बात आपको सुना रहा हूं, कि अंग्रेज लोग भी तो मंत्र शक्ति पर बहुत विश्वास करते हैं ना, ये जो कुंडलनी जागरण की पद्धति सर्पेंट ऑफ पावर सर जॉन वुडरफ ने लिखी है, तो उसके मैंने वो पूरी पुस्तक है तो बड़ी, और मैंने पूरी पुस्तक किसी के से पढ़वा के सुनी जिसमें क्या लिखा है। अच्छा, आप देखो, एक आपको सुनाते हैं। एक के मन में
ये इच्छा थी कि हमको 5,000 रुपया मिलते हैं। अब उसके भाग्य में नहीं था, उसके पौरुष में नहीं था, उसके व्यापार में नहीं था। वो तो चाहता था कि हमको ये मंत्र ही दिखा दे कि ये रुपया देता है। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि वो मंत्र साधना करने लगा, रात को पूरा हो गया, जितना करना चाहिए था जितनी उतनी पूरी हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जिस दिन वो अनुष्ठान पूरा हो रहा था, उसका लड़का निकला बाहर, छोटा बच्चा था, सड़क पर चला गया। कोई मोटर दौड़ती आई उसके नीचे आ गया। मोटर में जो आदमी था वो बहुत सज्जन और बहुत सत्पुरुष था। उसने उतर के देखा, देख लिया कि लड़का तो मर गया है, जिंदा नहीं, और किसी को मालूम था नहीं। तो उसने 5,000 रुपया उसके साथ नक्की कर दिया, उसके मरे हुए लड़के के कुर्ते में नक्की कर दिया। अब हल्ला हुआ, लड़का मर गया। वो आके उसने उठाया, लड़का तो मिला ही, तो मरा हुआ रुपया उसके साथ 5,000। अब वो उसने कहा कि तो हमने बड़ा भारी अपराध किया, तो अब हमको लड़का मिलना चाहिए, रुपया नहीं मिलना चाहिए। फिर जाके वो लड़के को रख के और फिर बैठ गया भजन करना, मैंने उसी मंत्र का सकाम भाव से फिर अनुष्ठान करना शुरू किया। पहले ही सकाम भाव था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो जो मुर्दा था लड़के का, वो उठ के खड़ा हो गया, जिंदा नहीं हुआ, वो चेतना नहीं आई। मंत्र की क्रिया शक्ति ने उस लड़के को के मुर्दे को बिना होश आवाज के खड़ा कर दिया। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मंत्र से उठती हैं, बैठती हैं, चलती हैं, बढ़ती हैं। अब तो उसको डर लगा कि कहीं कोई भूत प्रेत आ गया हो। बोला, हे भगवान, अभी जा रहे। तो अपने अनुष्ठान को उसने, ये हम आपको चमत्कार की बात इसलिए सुनाते हैं कि मंत्र की शक्ति ऐसी हो सकती है। मलिन मंत्र भी होते हैं और निर्मल मंत्र भी होते हैं। वो शक्ति तो अपनी वो प्रकट करते ही हैं। मंत्र निर्मल मलिन भी होते हैं, निर्मल भी, जैसे भूत के, भैरव के, साकनी के, डाकनी के मंत्र होते हैं, तो निर्मल नहीं होते, मलिन होते हैं। मलिन शक्ति का उपयोग भी करते हैं, माने उसके जो चाहता है उसके अनुरूप होना चाहिए ना। जैसे दुश्मन को मारना, हमारी मौसी जी सन्यासिनी हो गई थी, तो हम बचपन में बनारस में उनके पास रहते थे, तो उनकी जो गुरु जी थी वो भी स्त्री थी, माता थी, उनका नाम प्रेमपुरी था माता का। तो वो लोगों का ये जंतर मंतर कर देते थे, जो हमारी मौसी जी तो बेचारी कुछ नहीं जानती थी, वो तो सरल सरल जैसे हमारी माता जी थी, बस इनका ये गुरु। और वो जो गुरु जी थी वो बहुत निपुण थी, तो वो तो गंदी चीज का भी प्रयोग करती थी, शत्रु पर विजय कराना और मुकदमा जिताना और इसमें गंदी चीजों का भी वो उपयोग करती थी, भूत प्रेत पिशाच। वो मनसाराम का हम तो बहुत दिन से भूल गया था, मैंने मनसाराम अघोरी बताया। तो अब एक मैथिल पंडित आया था हमको, तो उसने किसी को बताया था, वो आके हमको, तब हमको याद आ गया कि ये शब्द में शक्ति है, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मंत्र बहुत कल्याण, इसी से अर्थ न जानते हो, भाव न जानते हो, फिर भी शब्द को दोहरावे तो वो वस्तु को ला देते हैं। तो अब आजकल बेकायदे तो पढ़ते हैं, खंडन खंड खाद्य तो पढ़ लेते हैं, परंतु घोड़ा चक्र मालूम नहीं रहता है।
मंत्र बना के जा सकते हैं? नहीं, नहीं बनाया। बहुत बड़ा सिद्ध हो तो वो बनाता नहीं है, वो तो सहज स्वभाव से बोलता है। उसकी बोली हुई जो वाक्य रचना है वो मंत्र हो जाती है। सिद्ध पुरुष के संकल्प से ए बिच्छू का विष उतर जा, वो ऐसे ही बोला, लेकिन उसके शब्द में जो उसके आप भीतर की शक्ति है वो प्रकट हो जाती है।